नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहारी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्टंट और खतरनाक वीडियो बनाने वाले लोग हो जाए सावधान, अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पटना का एयरपोर्ट। विद्यालयों में बड़े पैमाने पर होंगे आधारभूत संरचना का निर्माण। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, हर मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी की बढ़ी उम्मीदें। अब खबरें विस्तार से। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, बिहार के शिक्षकों के लिए एक गुड न्यूज है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले 2 लाख से अधिक शिक्षकों का जून का वेतन हाल ही में जारी किया गया है। जल्द ही जुलाई का वेतन भी उन्हें मिल जाएगा। शिक्षा विभाग इस मद में राशि जारी होने के इंतजार में है। इधर छठे चरण के नियोजित शिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि समाप्त हुए करीब 5 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि शिक्षा विभाग में इसकी फाइल आगे बढ़ा दी गई है। इसका एजेंडा भी विभाग प्राथमिकता में है। अब दफ्तर जाए बिना वरीय पुलिस अधिकारी से लगाए अर्जी, अब आपकी शिकायतों का निवारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर की पुलिस ने इसके लिए खास पहल की है। अब हर एक लोग, चाहे वे आम हो या फिर खास, वे अपने जिले के वरीय अधिकारियों से रूबरू होकर अपनी समस्याओं को उन तक बड़े आराम से पहुंचा पाएंगे। इसकी शुरुआत जो है मुजफ्फरपुर के वरीय आर्ची उपाधीक्षक पूर्वी ने किया है। बता दें कि उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तांतरण का भी भरोसा दिलाया है। अब बिहार में SP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी पीड़ितों की शिकायतें सुनेंगे। बिहार की 5,532 करोड़ की योजनाओं को केंद्र की मंजूरी। बिहार में विकास की नई दिशा में गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हाल ही में आम बजट में बिहार को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट की भी मंजूरी दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार को 5,532 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दे दी है, जिसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, जिससे बिहार में विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी। अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पटना का एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट पर 5 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इनका निर्माण नए टर्मिनल भवन के आगे वाले हिस्से में होगा। नए टर्मिनल भवन के चालू होने के बाद ही वर्तमान टर्मिनल भवन को तोड़ा जाएगा और एयरब्रिज का निर्माण होगा। लिहाजा शुरू में कुछ दिनों तक नए टर्मिनल भवनों में लोगों को एयरब्रिज की सुविधाएँ नहीं मिलेगी और उन्हें सीढ़ी से होकर ही फ्लाइट में चढ़ना और उतरना होगा। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन में 3 कन्वेनर बेल्ट लगाए जाएंगे। अगले महीने से इन्हें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। स्टंट और खतरनाक वीडियो बनाने वाले लोग हो जाए सावधान। क्या आप भी रील बनाने के शौकीन हैं और कहीं भी रील बनाना शुरू कर देते हैं, तो अब ऐसे करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि RPF मुख्यालय ने ट्रैक पर रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में सुनिश्चित करें कि रेलवे ट्रैक पर रेल बनाने की घटनाओं पर पूरी तरह से विराम लगाया जाए। सरकारी विद्यालयों में बड़े पैमाने पर होंगे आधारभूत संरचना का निर्माण। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ACS KK पाठक के आदेश को पलट दिया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुरूप विकास काम किया जाएगा। इसमें शौचालयों की मरम्मति, पेयजल की व्यवस्था, रसोई घर का निर्माण, विद्युतीकरण, बेंच डेस्क सुविधा, पुराने भवनों की मरम्मति, जीर्णोद्वार काम, अतिरिक्त वर्ग कक्ष, कार्यालय प्रयोगशाला सामग्री, नए विद्यालय भवन का निर्माण और चारदीवारी का निर्माण काम शामिल है। नए आदेश से 50,000 रुपए तक के निर्माण कार्य प्रधानाध्यापक, 50,000 से अधिक और 50 लाख रुपए तक के कार्य जिलाधिकारी और 50 लाख रुपए से अधिक के काम BSEIDC द्वारा कराया जाएगा। जमीन अधिग्रहण में देरी से हताश एयरपोर्ट प्राधिकरण। बेटा एयरपोर्ट से आसमानी उड़ान की ख्वाहिश पर जमीन का ग्रहण लगा हुआ है। जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण बेटा एयरपोर्ट की परियोजना को प्रगति नहीं मिल पा रही है। बता दें कि बेटा एयरपोर्ट की परियोजना को 2022 में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन वो लक्ष्य अधूरा ही रह गया। बता दें कि 8 एकड़ जमीन के बिना इस परियोजना की शुरुआत नहीं हो सकी है।
वहीं पटना जिला प्रशासन के अनुसार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। पटना में बाढ़ का संकट मंडराया। पटना में गंगा नदी डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। वहीं गांधी घाट के बाद अब दीघा घाट और हाथीदह में पानी तेजी से इजाफा हो रहा है। बता दें कि हाथीदह में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुनपुन और सोन नदी उफान पर है। गंगा के अलावा पुनपुन और सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मनेर दियारा के निचले इलाके 76 और महावीर टोला को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो चुकी है। दानापुर के दियारा इलाके में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अभी से ही लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में जुट गए हैं। रेलवे परीक्षा पर्चा लीक बोर्ड में चेयरमैन की संलिप्तता। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच ने रेलवे भर्ती बोर्ड GDCE परीक्षा में पर्चा लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें कि पर्चा लीक मामले में बोर्ड के चेयरमैन राजेश कुमार समेत कई अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी। इस घोटाले में करीब 2 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और हर अभ्यर्थी से 4-4 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न जिलों में छापे मारे हैं और रेलवे के 4 कर्मचारियों समेत करीब 1 दर्जन लोगों की तलाश कर रही है। NBPDCL लगा रहा बंगाल वाली स्पाइक अर्थिंग। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक ऐसे तकनीक को विकसित करने जा रहा है जिसमें आधी बारिश और वज्रपात से बिजली डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके साथ बिजली के नुकसान को कम किया जा सकेगा। बता दें कि इसके लिए स्पाइक अर्थिंग का प्रयोग किया जाएगा। जिले के 4 विद्युत संचरण लाइन में से 1 में ट्रायल के तौर पर स्पाइक अर्थिंग लगाई जाएगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों के लिए हरी झंडी दे दी है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अपनाया जा रहा है। इसके लिए राशि का भी प्रावधान किया जा रहा है। भागलपुर में बनेगा पहला गंगा रेल पुल। बिहार में रेलवे के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पुल की लागत 2549 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और ये 26.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को जोड़ने का काम करेगा। इस नए रेल पुल का एक छोर विक्रमशिला स्टेशन से होगा और दूसरा छोर कटरिया स्टेशन से जुड़ता रहेगा। इस पुल के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच रेल यातायात की कनेक्टिविटी को एक नई मजबूती मिलेगी जिससे यात्रा समय में भी कमी आएगी। राघोपुर विधानसभा में टूट गया पुल। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पश्चिमी पंचायत कंबल सिंह संबल सिंह प्लस टू विद्यालय के निकट करीब 20 साल पुराना ईंट का पुल ढह गया है। इस पुल के गिरने से राघोपुर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और राघोपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 5, 6, 9, 10, 12, 13 की लगभग 20,000 की आबादी का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पुल गिरने के बाद से लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि 4 किलोमीटर के दायरे में 2 पुल निर्माणाधीन है और गिरे हुए पुल की जगह पर एक नया पुल बनाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है लेकिन अभी तक इस निर्माण काम की शुरुआत नहीं की गई है। बिहार के 38 जिलों में 20 सूत्रीय कमेटी गठित। बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय 20 सूत्री समिति का गठन किया गया है। बता दें कि अब हर जिले में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों के साथ कुल 25 सदस्य होंगे। इन समितियों में प्रमुख कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। इसके साथ हर जिले में प्रभारी मंत्री को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि प्रभारी मंत्री को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं NDA सरकार में शामिल भाजपा जदयू लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के जिलाध्यक्षों को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। इन समितियों के माध्यम से सरकार जिलेवार विकास कामों की निगरानी करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा का PM से सवाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार से वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने बिहार के विकास के लिए बड़े बड़े वादे तो किए थे लेकिन अब तक इन वादों का कोई ठोस परिणाम जो है नहीं दिख रहा है। सिन्हा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ये बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर RLJP सांसद चिराग पासवान के बयान का समर्थन किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक सुलझे हुए नेता हैं।
और मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी की बढ़ी उम्मीदें। वनडे विश्व कप 2023 के बाद चोटिल होने के कारण भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जल्द वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बता दें कि शमी बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू हो रही दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं। शमी ने वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मैचों में 24 विकेट चटकाए थे और टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। हालांकि विश्व कप के बाद उन्हें दाहिनी एड़ी में चोट के कारण क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इसके चलते शमी को इस साल 2024 में सर्जरी भी करवानी पड़ी थी और वे कई महीनों तक खेल से बाहर रहे। और फिलहाल अब ये खबर है कि शमी अपनी चोट से पूरी तरह से रिकवर कर रहे हैं और उनकी वापसी की संभावना ने प्रशंसकों की खुशी को बढ़ा दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, विनोद महात्मा, उमेश, ऋषि देव, करण राज, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राज किशोर महतो, नूरुल हुदा, अनवर करीम खान, कुश कुमार यादव, नीतीश कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में एसपी अब आपकी समस्याओं को फेसबुक पर लाइव आकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनेंगे और निवारण भी करेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।